Dear students, in this topic we shall discuss muscle fatigue. The prolonged and sustained strong contractions of the muscle lead to muscle fatigue. This is arm language mein muscles ka covered Skeletal muscles in this condition are no longer to contract optimally. स्टूडेंट्स दी मसल फेटीग हैज फिजियोलॉजिकल कॉजेस दिस फैटीग कैन अकर इन द्यूरो मस्कुलर जंक्शन और एनी ऑफ अदर कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट्स ऑफ द मसल्स जो भी कॉन्ट्रेक्शन में इन्वॉल्व मसल्स के एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी भी लेवल पर फैटीक हो सकती है डिस्कस फ्यू ऑफ द रीजन्स आर कॉजेस ऑफ मसल फैटिक फर्स्ट वीश डिस्कस के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है मुसलसल एक्टिविटी की वजह से वो ट्रांसमिशन मुतासर होती है क्योंकि जब प्रोलोंग एक्टिविटी रहती है तो एज ए रिजल्ट नर्व uh, इम्पल्स की ट्रांसमिशन डिमिनिश डिमिनिश आर स्लो हो जाती है दिस बिकॉज़ ऑफ आइन ड्यू टू है एज ए रिजल्ट इम्पेयरमेंट ऑफ एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन आकर्स तो जब इम्बेलेंसेज ऑफ आइन्स होते हैं तो उसके नतीजे में मैमब्रेन की एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है और एज ए रिजल्ट नर्व इम्पल्स की कंडक्शन और ट्रांसमिशन स्लो और डिमिनिश हो जाती है स्टूडेंट्स ये जो होते हैं दे हैपन बिकॉज ऑफ इम प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम पोटेशियम पंप की फंक्शनिंग इसलिए मुतासर होती है कि सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम आयन चैनल्स इनएक्टिवेट और इनसेंसिटिव हो जाते हैं इफ दिस इज द कॉज ऑफ मसल देन देर इज अ क्विक रिकवरी विद इन थर्टी मिनट्स ये स्टूडेंट एन अदर फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ मसल फेटीग इज द इंटरप्शन इन एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग this happens due to impaired calcium release from cells' internal resources, that is from endoplasmic reticulum. iski recovery comparatively slower, hoti hai aur 24, say se 72 hours. Iski recovery mein lagte dear students, the third cause of muscle fatigue is the interruption of blood flow.

स्टूडेंट इन थ्री मेजर कॉजिस के अलावा अदर फेटिक कंट्रीब्यूटर्स में जो फैक्टर्स आते हैं वो है एकमोलेशन ऑफ इन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स इन मसल्स देन ऑफ हाइड्रोजन आइंस जिसे हम मेटाबोलिक uh, एसिडोसिस कहते हैं जो के सेल के और मसल सेल्स के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को अफेक्ट करती है इसके अलावा मुसलसल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से सेल के पास इनर्जी रिसोर्सेस में या तो ग्लाइकोजन की डिप्लीशन हो जाती है या एटीपी की डिप्लीशन हो जाती है तो एज ए रिजल्ट मसल अपीयर होती है डियर स्टूडेंट्स पास्ट में मसल फटीग के लिए जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर समझा जाता था वो लैक्टिक एसिड की एकूमुलेशन थी हॉ एवर रिसेंट रिस प्रूव दैट दिस फैक्टर इज नॉट ए कॉज ऑफ मसल फैटीक इसलिए अब हम इस फैक्टर को मसल फैटिक की वजह नहीं समझते